और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिनको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं आती है या मेहंदी बहुत अच्छी आती है लेकिन उनको ये बनानी नहीं आती है। मास्टर कोन को फिल कैसे करते हैं, रिफिल कैसे करते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी छोटी सी एक आइस, ठीक है। इसको हम थम से इधर की तरफ टर्न करेंगे सेंटर में, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इस तरह से हम टर्न करेंगे। और गाइस अगर बाहर की नॉइस आए तो आई हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज इसको इग्नोर कर। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल क्लास में। गाइस आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल है। रीजन क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ न्यू में क्या है, जनरली जब मैं मेहंदी की प्रैक्टिस करता हूं या फिर आपको पैटर्न दे रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों को कोन बनाने में प्रॉब्लम होती है। और जो मेरी कोन है, मेरी बनाई खुद की जो कोन है, उस कोन में और आपकी कोन में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो गाइस आज मैं आपके लिए आपकी ही कोन लाया हूं जो आप लोग अपने नेर एंड डेयर खरीदते हैं कहीं ना कहीं। गाइस आज मैं मार्केट की कोन को कैसे रिफिल करते हैं, कैसे उसको अच्छे से मॉडिफाई करते हैं और उसको किस तरह से मार्केट की कोन को मास्टर कोन में कन्वर्ट करते हैं, इस ट्रेनिंग में आपको मैं एक एक चीज गाइड करूंगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आए। गाइस आज मैंने आपके लिए ली है मार्केट की कोन। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो ये कौन सी पन्नी है, लोगों के बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर ये कौन सी पन्नी है। इसको बोलते हैं पॉलीबैग और ये इजीली आपको स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। आप वहां जाइए, वहां उसको बोलो सेलोफेन होती है वो मुझे चाहिए, आपको इजीली मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो गाइस जो रैपिंग पेपर होती है ना, जो गिफ्ट पेपर की पन्नी होती है जिससे हम गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं, वो लोग आप इजीली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको आप इस तरह से 6x6 काट लीजिए, ठीक है, 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर, ठीक है, इंच टेप लेके कट कर लीजिए। एक कट हो जाएगी तो बाकी आपकी सारी कट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये इसको कट कैसे करते हैं तो आप कमेंट में लिखें, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे तो गाइस एक ट्रेनिंग पर्सनली मैं उसके लिए जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिनको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं आती है या मेहंदी बहुत अच्छी आती है लेकिन उनको ये बनानी नहीं आती है, मास्टर कोन को फिल कैसे करते हैं, रिफिल कैसे करते हैं, ठीक है। अब गाइस क्या हम करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला कट है, ये वाला जो कट है, इन दोनों पे हम अपनी फिंगर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब इसको हम थंब से इधर की तरफ टर्न करेंगे सेंटर में, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इस तरह से हम टर्न करेंगे। और गाइस अगर बाहर की नॉइस आए तो आई हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज इसको इग्नोर करें, ठीक है। इस तरह से इसको आप टर्न कीजिए और देखिए यहां पर बीच में फिंगर रखिए। आप अगर चाहें तो इसको आप नुकीला कर सकते हैं, चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कीजिए, लेकिन कोशिश करें जब आप मास्टर कोन को बना रहे हो तो गाइस बीच में एक होल जरूर होना चाहिए, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा हो लेकिन होना चाहिए। उससे क्या होता है इसका एयर सर्कुलेशन बहुत क्लियर रहता है, ठीक है। अब हम छोटी सी हम टेप लगाएंगे, बहुत इतनी बड़ी टेप मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर टच कीजिए आराम से। अब इसको अच्छे से इसकी हम प्रेसिंग करेंगे इस तरह, लाइक दिस वन, देख पा रहे हैं आपको दिख रहा है। अब हम एक बड़ी टेप लेंगे, बड़ी टेप को हम यहाँ पर टच करेंगे इस प्रकार से एंड इसको हम करेंगे अब अच्छे सेट और इसको हम इस प्रकार से टर्न कर देंगे। तो गाइस हमारी ये जो मास्टर कोन है ये कंप्लीट बन चुकी है। एक और बना देता हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए आपको क्लियर रहे कि मैंने फर्स्ट कैसे बनाई थी। देखिए सबसे पहले मैंने पन्नी ली, ठीक है, सेलोफिन, और इसको मैंने यहाँ से टर्न किया सेंटर में। कभी ना कभी आपने बेलपूड़ी खाई होगी, चने खाए होंगे, तो जो बनाते थे उस तरह से उसी प्रकार से, बट थोड़ा इसका लुक अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइनर सा आपको हॉल देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक छोटी टेप लेंगे दोबारा से, ठीक है, और इस प्रकार से इसको हम टर्न करेंगे। ध्यान रहे गाइस जब आप ये बना रहे हो तो आपका ये वाला जो बेस पार्ट है इसको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही फाइन रहना चाहिए और यहाँ बिल्कुल भी झोल ना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी हम बड़ी टेप लेते हैं और यहाँ हम इस प्रकार से टच करेंगे। अब इसकी हम करेंगे प्रेसिंग इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारी कोन बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं गाइस, जो ये मास्टर, ये जो मार्केटिंग कोन है
इसका कोई मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा, इसके बारे में आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, आपकी चॉइस है, आप लीजिए। बट इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से मेस करेंगे। देखिए मार्केट जो कौन होती है वो इसी तरह से होती है, ठीक है। इसको हम करेंगे मेस, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप कम से कम 2 मिनट अच्छे से मेस कीजिए अगर आप चाहते हैं ये अच्छे से बने, क्योंकि जितना बढ़िया आप इसको मेस करेंगे उतनी अच्छी आपकी कौन चलेगी। गाइस इसको मैंने 2 मिनट अच्छे से मेस कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान रहे कुछ चीज़ों का, जो आप इसके ऊपर स्टिक देख रहे हैं ये आप जो मार्केट से कौन परचेस करेंगे, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप, ठीक है। एज ए प्रैक्टिस के लिए इसको सबसे पहले इसको निकालिए। आप ये देखिए कि जो स्टिक है पूरी निकल रही है, थोड़ी निकल रही है, अगर थोड़ी निकल रही है दैट मीन्स आधे स्टिक इसी के अंदर है। तो पहले आप पूरी स्टिक को बाहर निकालें, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ से इसको कट करना है इस प्रकार से, ठीक है। कट किया मैंने, और जो अभी मैंने कोन बनाई थी उसको अच्छे से क्लीन कर लें, ठीक है। अब हम इसी के अंदर इस कोन को रिफिल करेंगे। सबसे जो पहले मैंने निकले उसको डायरेक्ट अंदर नहीं डालना है, ठीक है, उसको हम साइड में डालना है इस तरह से। इससे क्या होगा, मान लीजिए जो मेहंदियाँ टाइट भी हो रही होगी ना, जो अटकती मेहंदी वो ऊपर रहेगी, और जो अंदर की जो फ्रेश मेहंदी है वो अंदर ही जाएगी सीधी, और उससे आपकी मेहंदी में नीटनेस और क्लैरिटी दोनों ही आएंगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से बंद करेंगे, हम कैसे करेंगे, देखिए ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए, जो पीक पॉइंट है एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, और यहाँ पर इसको हम करेंगे टर्न इस तरह से, क्लियर है। अब हम इसको अच्छे से हम बनाएंगे सिल्वर, जिस प्रकार से साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं और चूनर बनाते हैं, लाइक इसी प्रकार से इसकी हम बनाएंगे सिल्वर, ठीक है। आराम आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हम ये लेंगे रबड़ बैंड छोटा सा, ये इसको बोलते हैं स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज का रबड़ है, छल्ले वाली रबड़। और इसको आप, ये आपको इजीली किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी, कहीं ना मिले, जहाँ पर आपके डोने वगैरह मिलते होंगे ना, लाइक ग्लास डोने पत्तल वगैरह, ठीक है, या स्टेशनरी होती है, वहाँ पर आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसको हम नीचे से इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको टर्न करेंगे इस प्रकार से, 1 2 3, ठीक है, और अच्छे से इसको हम रबड़ को लगा देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जो लोग कहते हैं सर हमसे मार्केट की जो कोन है वो चलती नहीं है, तो गाइस आपके सामने मैंने फिल की है, ठीक है। अब मैं इस कोन को आपके सामने चलाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको क्लीन कर लें, ताकि ये अगर इसके अंदर कोई भी, देखो इसके अंदर थोड़ी अटक रही है क्योंकि इसके अंदर ना रोड़ी वगैरह है, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लीन करना है, रिफ्रेश करना है कोन को, यहाँ टच करना है इस प्रकार से, पुश करना है, आराम से इसको हम टर्न करेंगे, ठीक है, ये क्लियर गाइस, बन जाएगा आपसे इजली। अब टच करेंगे, आउटलाइन देंगे इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अगेन टच किया, पुश किया, आगे की तरफ उसको हमने बढ़ाया, कंटिन्यू, ये देखिए, ठीक है। अगेन हम इसको टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से इसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। गाइस ये वही कोन है जो आप यूज करते हैं, मैं उसी कोन से लगा रहा हूं। अब हम बनाएंगे इसकी छोटी सी एक आइस, ठीक है, और यहां पर हम बनाएंगे इसकी चोंच। ये एक मोर का लुक आ गया है, ठीक है, पिकॉक का लुक मैंने इसको दे दिया है। यहां पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम गाइस यहां पर देंगे स्मॉल सर्कल इस तरह से, आराम आराम से दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार से गाइस आपको एक एक चीज को बहुत ही फाइन बनाना है और बहुत ही नीटनेस रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल सर्कल जब बनाएं तो उसमें बहुत ही अच्छी क्लैरिटी हो, फिनिशिंग हो, और अगर आपको लगे
की स्मॉल सर्कल बनाने से हमारी लाइन कहीं ना कहीं 19-20 मिसमैच हुई है, तो उसको एक बार और लाइन देके उसको कंप्लीट कर दें। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पिकॉक के अंदर भी आउटलाइन देंगे इसी प्रकार से और अच्छे से बनाएंगे ताकि पिकॉक हमारा खुश हो जाए कि हाँ उसको हमने रेडी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम आउटलाइन देंगे और यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे इस प्रकार से। देखिए ये अटक गई ना क्योंकि मार्केटिंग कौन है। अब क्या करेंगे हम, कभी भी अगर आपके ऐसा हो तो बिल्कुल भी आपको हाइपर नहीं होना है, आपको इजीली इसको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, टच किया पुश किया नीचे की तरफ लेयर दो इस प्रकार से, टच किया पुश किया नीचे की तरफ लेयर दीजिए, अगेन टच एंड पुश इस प्रकार से हम ड्रॉप देंगे। ठीक है, टच किया पुश किया हमने ड्रॉप बनाया, ड्रॉप से आराम से नीचे की तरफ लेयर दीजिए। गाइस इतनी महंगी ट्रेनिंग, इतनी कॉस्टली और वैल्यूएबल ट्रेनिंग आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू को समझें और इसको अच्छे से टर्न करें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ट्रेनिंग को बार बार रिपीट करके देखें और अगर अच्छी लगे तो उसको गाइस शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इसका लाभ उठाएं तो इसको ज़रूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे यकीन मानिए, आपको सामने वाला कुछ ना दे तो ब्लेसिंग ज़रूर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक चेंजेस आएगा आपके शेयर करने से। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम ड्रॉप देंगे। देख रहे हैं गाइस कितनी मस्त क्लैरिटी आ रही है, थोड़ी अटक जरूर रही है, देखो इसके अंदर कितनी रोड़ी है। ठीक है, बट आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी, आराम आराम से इसको बनाइए। अब गाइस हम इसके अंदर बनाएंगे मधुबनी पिकॉक के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक राउंड सर्कल की तरह बनाएंगे एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लेयर दूंगा, अगेन एक आउटलाइन दी, तो गाइस इसने एक लीफ का रूप बना लिया। ठीक है, ये लीफ के रूप में रेडी हो गई कोन। ये देखिए इस प्रकार से मैंने अगेन एक लीफ दी है। ठीक है, एंड जो ये इसका नीचे का पार्ट है बेस पॉइंट, यहाँ पर मैं अगेन एक एलिमेंट दूंगा जैसे मैंने अभी ऊपर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आउटलाइन दी अगेन, यहाँ मैंने लीव बनाई है। क्लियर है गाइस, दिख रहा है आपको? और अब मैं यहाँ पर अगेन एक छोटी सी प्यारी सी लीव दूंगा। गाइस जो बनाएं बहुत ही डेडिकेशन से कॉन्फिडेंट से बनाएं, यकीन मानिए आप मुझसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, बस अर्थ है अगर आप डेडिकेशन से बना रहे हैं तो। अब हम इसको फिल करेंगे, वो कैसे करते हैं वो देखिए। आप सबसे पहले आप यहाँ आउटलाइन दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अच्छे से आप आउटलाइन दीजिए। गाइस ये जो ट्रेनिंग थी स्पेशली आज मैंने बनाई थी इसलिए कि आप मास्टर कोन को कैसे बना सकते हैं, मार्केट की कोन को मास्टर कोन के अंदर रिफिल कैसे करते हैं। बट जब मास्टर कोन बन गई है तो मुझे लगा आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने बना तो दी है बट चल अभी कौन चले ही कैसे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको फिल करूँगा अच्छे से। और जो लोग मेरी ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करते हैं वो लोग कमेंट जरूर करें, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो गाइस अपना क्वेश्चन जरूर पूछें कमेंट के माध्यम से, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई जरूर करूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आउटलाइन दीजिए। ठीक है, आराम से इसको फिल कीजिए इस तरह से। क्लियर है, यहाँ पर मैंने इसको अगेन फिल किया है। ये देखिए इसको जितना फिनिशिंग से बनाएंगे गाइस यकीन मानिए उतनी इसकी जो सुंदरता है क्लैरिटी है वो निखर के आएगी और अच्छे से बनेगा ये। ठीक है, आराम आराम से जल्दबाजी ना करें, बेशक थोड़ा बनाएं लेकिन फिनिशिंग से बनाएं। ठीक है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ जो जगह है यहाँ पर हम एक छोटा सा ड्रॉप देंगे, फिर और छोटा करेंगे, इस प्रकार से हम नीचे तक ड्रॉप को अपने ले जाएंगे। ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जो लाइन है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, तो डॉट का साइज हमें बहुत छोटा रखना है।
क्लियर है। इस प्रकार से आप आराम आराम से डॉट देके ये बना सकते हैं। क्लियर है गाइस? आई होप गाइस आज की ट्रेडिंग में आपको यकीनन अच्छा लगा होगा और आपके जो क्वेश्चन थे बहुत सारे लोगों के वो आज क्लियर हुए होंगे। गाइस अगर वाकई में आपके क्वेश्चन दूर हुए हैं तो गाइस प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि आज की ट्रेडिंग आपके लिए कैसी थी, कैसा आपको लगा। अगर गाइस आपके कोई भी और क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, तो रिक्वेस्ट है अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए कमेंट्स के माध्यम से। कोशिश करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है अपने उस वैल्यूएबल टाइम से, वैल्यूएबल समय से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टाइम निकालूं, चाहे भले ही आधे घंटे का निकालूं, 10 मिनट का निकालूं, 5 मिनट का निकालूं, लेकिन गाइस उस ट्रेनिंग को जरूर लेके आऊंगा और वो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्यूशन के रूप में जरूर कन्वर्ट करूं। उम्मीद करूंगा गाइस आज की ट्रेनिंग में मजा आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच गाइस।